स्पेशली महाराष्ट्र में केरल में कोविड के पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ना शुरू हो गई है। पर केवल देश की बात नहीं करता, खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है। इंग्लैंड फिर लॉकडाउन की स्थिति की तरफ जा रहा है, 26,000 से ज्यादा केस रोज। अब यूके में लगातार आ रहे हैं, एक ने दुनिया के अनेकों देशों में दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, तीसरी के बाद चौथी लहर आने का क्रम जारी है। मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में यह बात सच है कि अभी पूरी तरह से नियंत्रण है, लेकिन हम 35 केस तक पहुंच गए थे मध्य प्रदेश में। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में इतने ही टेस्ट में पॉजिटिव केस आए थे 33, उसके बाद बढ़ते हुए दूसरे दिन 38, तीसरे दिन बढ़ते हुए 40 और आज बढ़ते हुए 43। देखो जो सच है उससे अवगत कराना मैं मेरा परम कर्तव्य मानता हूं। ये दूसरी लहर भी कैसे आई थी, ऐसे जब थोड़े केस बढ़ना शुरू हुए तो मैंने प्रशासन को टोका था और मैंने कहा था कि ये आसार अच्छे दिखाई नहीं दे, लेकिन जब थोड़े वक्त केस बढ़ते तो हम निश्चित हो जाते हैं, अरे यार अब क्या लेना देना, आप तो ठीक है इतने से केस पिटा होता है। लेकिन इनसे ही बढ़ के स्थिति बिकट और भयानक बनती है और इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके निश्चिंत मत होइए। अगर हमारा ये व्यवहार जारी रहा कि मास्क नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं, भीड़ भाड़ सब विराट पैमाने पर होना शुरू हो गई तो इन केसों को बढ़ने में समय नहीं लगेगा। और एक बार स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हमने सेकेंड वेव के जो कष्ट सहे हैं आज देख के कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने भुगता उस दौर में जब ये अस्पताल के निर्माण का काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ और हमने तब तय किया युद्ध स्तर पर निर्माण का काम होना चाहिए। हमारी कोशिश थी कि सेकेंड वेव जो वेव है उसके पीक पर ही हम इस अस्पताल का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं, एयर इंडिया के सहयोग से सचमुच में स्वास्थ्य विभाग ने, विश्वास जी भी इस काम को देखते रहे, प्रभुराम जी भी देखते रहे, एक रिकॉर्ड समय में इस अस्पताल को बना के तैयार किया। इसमें कोई दो मत नहीं कि जब ये शुरू हुआ था तो उमाशंकर गुप्ता जी निश्चित तौर पर इस अस्पताल के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे, युद्ध स्तर पर बनके ये अस्पताल तैयार हुआ। और मैंने जो उल्लेख आपके सामने किया वो इसलिए किया कि हम कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैंने हम सब कहा, केवल सरकार नहीं, हम मतलब जनता के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर। यहाँ भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सम्मानित सदस्य बैठे हैं, हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना दलगत भेद के हमने कोशिश ये की कि कोविड से अगर लड़ना है, सारे हमारे आदरणीय सांसद जी, विधायक मित्रगण, प्रशासन की टीम और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर इस लहर का मुकाबला करेंगे। सबका भरपूर सहयोग मिला और विश्वास जी ने सचमुच में लीड भी बहुत ढंग से किया, इसलिए भोपाल में भी नियंत्रण, लेकिन अब तीसरे लहर की तैयारी और आज जो इस अस्पताल का लोकार्पण हमने किया है वो तीसरी लहर की तैयारी के लिए किया है। अब 200 बिस्तर का ये अस्पताल है जिसमें 50 ICU बेड है हमारे, 150 हमारे ऑक्सीजन बेड है, कोई बेड ऐसा नहीं कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है, जम्बो सिलेंडर्स का इंतजाम हो रहा है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भंडारण करने की व्यवस्था भी यहां की जा रही है ताकि भगवान ना करे। हमारी कोशिश तो वही होगी जो प्रभुराम ने कह रहे थे, कोशिश हमारी वही होगी कि तीसरी लहर की जो तीव्रता है उसको हम खत्म करके संकट बढ़ने ना दें। लेकिन तैयारी हमारी पूरी, कल मैं शहडोल में, कल हमने शहडोल मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर का प्रेजेंटेशन विश्वास जी साथ वो देखा, व्यवस्थाएं देखी,
कल मैं इंदौर जाऊंगा, वहां तीसरी लहर की तैयारियां देखूंगा। 7 तारीख को मैं जबलपुर जाऊंगा, वहां तीसरी लहर की तैयारी देखूंगा। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, अब हम आंख बंद करके नहीं बैठने वाले। उन्हें लगातार व्यवस्थाएं बढ़ाते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि लहर को हम उस तीव्रता से आने ही ना दें, लेकिन यदि आ जाए तो पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करें। लेकिन उसमें आज एक अपील मध्य प्रदेश की जनता से करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के करना चाहता हूं, हृदय से करना चाहता हूं, क्योंकि हम कई बार बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कितने कष्ट हमने अपने बीच में होते हैं, और इसलिए असावधान ना रहें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार ये अत्यंत आवश्यक है। हम वो करते रहे, हमने तय किया टेस्ट की संख्या हम कम नहीं करें, 75,000 से टेस्ट कम नहीं होंगे। और मैं भोपाल वासियों को भी कहना चाहता हूं, प्रदेश में कई जगह लोग कहते हैं आप सैंपल का जाना, सैंपल देते रहो मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि ये सैंपल ही पता लगाएगा कि कोविड का कहीं संक्रमण बढ़ तो नहीं रहा। और इसलिए हम लगातार टेस्ट करते जाएंगे, आप सैंपल देते रहे, मैं भी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार करवाई देता हूं, उसमें दिक्कत क्या है। अगर संक्रमण होगा तो तुरंत पता चलेगा, और पता चलेगा तो एक भी पॉजिटिव निकला तो उसके मैंने कहा है कि कम से कम 25 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, परिवार के लोगों की, उनके सैंपल लिए जाने चाहिए, मित्रों की संपर्क में आने वाले लोगों की, उनके सैंपल लिए जाने चाहिए, ताकि उनमें से कोई संक्रमित हो गया हो तो तत्काल हमें पता चल जाए, उनको हम आइसोलेट कर दें। उसके लिए अस्पतालों की व्यवस्था भी है, उसके लिए और व्यवस्थाएं निर्माण करना होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन परिवार के साथ अगर जगह है तो घर में रहे, लेकिन बाकी सदस्यों से दूर। और जगह नहीं है तो हमने ऐसे अस्पताल तैयार किए, हम उन अस्पतालों में रखेंगे। देखो ये भेद तीसरी रोकना बहुत जरूरी है, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। तो एक ये व्यवहार, टेस्ट खूब करेंगे, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे, फिर कोरोना अभियान चलता रहेगा, गांव में भी सर्दी जुकाम बुखार के केस अगर मिले तो तत्काल पहचानेंगे और उनको दवाइयां देके तत्काल ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। और एक वैक्सीनेशन का अभियान, टीकाकरण का अभियान, मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। टीकाकरण के लिए पहले लोग तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब जगह जगह लोग स्वप्रेरणा से भीड़ इकट्ठी हो रही है जो चाहती है कि वैक्सीन लगे। कभी वैक्सीन हमें कम पड़ गई, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम वैक्सीन हमको मिले, उसकी कोशिश लगातार जारी है। और हम व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि उसको ऑफलाइन भी आए तो पहले से सूचना करें, ताकि जितनी कल अगर हमारे पास 3 तारीख को हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो सेकेंड डोज वालों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहीं ने एक लगवाई और भूल ही गए कि दूसरी भी लगवानी, तो कल का दिन जो हमारा वैक्सीनेशन का वो सेकेंड डोज का है, ताकि जिनको एक डोज लग गया उनको दूसरा डोज भी लग जाए, तब हम पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएंगे। तो 3 तारीख को सेकेंड डोज लगेगा, उसके बाद फिर लगातार सप्ताह में 4 दिन वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। मंगलवार और शुक्रवार को हम कोविड के अलावा बाकी जो टीके हैं, जो बच्चों के लिए भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, वो टीके हम लगाने का काम करते हैं, ताकि बाकी टीके भी बच्चों को लगता रहे। हमारे स्टाफ को एक दिन फुर्सत मिल जाए, कम से कम इतवार के दिन, उस दिन हम टीकाकरण का काम नहीं करते, सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण का काम जारी रहेगा। तो एक तरफ वैक्सीनेशन, एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक तरफ टेस्ट सैंपलिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, और फिर अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था इंतजाम, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो पाए। अब ये सारे प्रयत्न हम कर रहे हैं, इनमें जनता का भरपूर सहयोग हमको चाहिए, तभी तीसरी लहर का सफलता के साथ मुकाबला होगा। मैं डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि इस तरह की लहर तो आएगी, छोटी आएगी। अगर हमने अच्छा व्यवहार किया तो भयानक नहीं हो पाएगी, वैक्सीनेशन अगर हो गया तो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, हम गंभीर नहीं होंगे, घर पर ठीक हो जाएंगे, होगी क्या। तो ये तरीके सारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की सुविधा बढ़ाने हम निकले हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हम लॉकडाउन की नौबत नहीं आने देना चाहते, लेकिन अभी मैंने सुना पुणे में मुंबई 4 बजे के बाद उन्हें बंद करना शुरू कर दिया, आप बताओ कब तक अपन बंद करेंगे। गरीबों की रोजी रोटी चली जाती है, हाथ ठेला वाला क्या करेगा बेचारा, चाय की बुंदी वाला क्या करेगा बेचारा, फुटपाथ पर सामान बेचने वाला क्या करेगा बेचारा, कब तक आखिर हम बंद करेंगे।
मार मार के बंद से तो जिंदगी लाख हो जाती है, वो हमको नहीं होने देना है। उसके सावधानी पूरी रखनी है। और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मैं अपील करता हूं, और वो दिन मैं कई बार कहता हूं, वो 7 दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। हम कभी सोते नहीं थे, 7 रातें हमने जब से काटी है। मेरे मंत्री साथियों ने रात को 2 बजे 3 बजे अगर 2 बजे भी बिस्तर पर लेटने की कोशिश की तो कहीं से फोन आ गया, बस 1 घंटे की बची है। 1 घंटे की बची है तो नींद कभी आ सकती है। हालत यह होती थी कि ड्राइवर से बात करता था मैं, टैंकर के ड्राइवर से, कहां पहुंचे भैया, आगे पायलट पीछे पायलट। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती थी, एक बार के ड्राइवर को नींद लग गई तो वो टैंकर उलट गया हमारा, एक बार ड्राइवर कहीं चाय पी रहा तो हमने कहा ये चाय मत पी, जल्दी चल। ड्राइवरों तक से बात करके उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी, क्योंकि सांस अटकी रहती थी, हे भगवान ऑक्सीजन में देर ना हो जाए, नहीं तो जिंदगी की सांसें टूट जाएगी। उस भयानक दौर को हम कभी भूल नहीं सकते, अब वैसा दौर नहीं आने देना, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि वो कहर अब न बरसे, उसके लिए हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी प्रभु की कृपा बनी रहे। और जनता रूपी भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आपका सहयोग भी नितांत आवश्यक है। हम तो व्यवस्थाएं बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा तो पूरी तरह से तीसरी वेव का मुकाबला करके अपनी जनता को और अपने प्रदेश को सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीन वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, ये वैक्सीन ही जिंदगी का डोज है, जिंदगी का टीका है जो हमें लग रहा है, और बाकी भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं आज केयर इंडिया को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कैलाश तात्कालिक जो हमारा अस्पताल है उसमें इसको कहा है कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भी हम लोगों ने फिलहाल तय किया है। अब ये बात हम लोगों के दिमाग में थी, इस बार की DCG भी DG भी कह रही थी कितना बड़ा अस्पताल है तो क्या बाकी बीमारियों के लिए। मेरा ये कहना है अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर लें, अगर पूरा कंट्रोल होता है तो हम सिर्फ जो हमारी मेटरनिटी अस्पताल है उसकी व्यवस्था यहाँ प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर हमको ये लगा कि कोविड का संकट बढ़ सकता है तो इसको डेडिकेटेड कोविड के लिए हम रखेंगे, ताकि हमीदिया हो चाहे JP हो उनको सुरक्षित दूसरी बीमारियों के लिए रख सके और यहाँ कोविड के पेशेंट्स का इलाज हो सके। तो परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हम फैसला करेंगे, लेकिन केयर इंडिया ने इस अस्पताल को संचालित करने का फैसला किया। एक बार मैं स्पष्ट कर दूं, कोई ये ना समझे कि इसके लिए केयर इंडिया को कोई पैसा दे रहा है या केयर इंडिया कोई मरीजों से पैसा दे रहा है, ना लेना है ना देना है, इनको सेवा का ही काम करना है। कई बार ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये कहीं प्राइवेट को तो नहीं दे दिया, ये प्राइवेट नहीं, ये स्वयं सेवी संस्था है। ये और स्वास्थ्य विभाग मिलते, क्योंकि केयर इंडिया 5 विशेषज्ञ चिकित्सक, 28 मेडिकल ऑफिसर, 38 स्टाफ नर्स, सफाई सुरक्षा व्यवस्था, लैब सुविधा, सिटी स्कैन इत्यादि में सहयोग करेगी। तो कुल मिलाकर सरकार और एक ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा के काम में लगी रहती है वो इस पे इसका संचालन करेगी। और पूरे दुनिया में महल स्वास्थ्य के लिए, महिला बाल विकास के क्षेत्र में भी ये काम करती है, बाढ़ और भूकंप इत्यादि में भी, आपदाओं में भी मानवता की सेवा करने का ये काम करती है, और यही काम करेगी। पूरी तरह से निःशुल्क अस्पताल है, सरकार को कोई केयर इंडिया को पैसा लेना देना नहीं है, उनको तो सेवा का काम करना है, उसमें उनके साथ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये भगवान करे, आज हम सब प्रार्थना करें कि इस कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई पेशेंट आए ही नहीं। बस प्रार्थना तो यही है कि इसका उपयोग ना हो मेरे भगवान, इसका उपयोग करने की जरूरत ही पड़े और बाद में हम दूसरे कामों में इसका उपयोग कर लें, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है इसलिए व्यवस्थाएं की है। इस व्यवस्था में सहभागी स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन विभाग, हमारे केयर इंडिया और सभी साथी जिन्होंने दिनों रात परिश्रम करके इसको रिकॉर्ड समय में पूरा किया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस तरह से आपने तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए रणनीति प्रदेश में तैयार की जिसका
आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए भी जो सरकार है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसी के चलते अस्पताल का शुभारंभ यहां पर किया गया है, लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से जो सरकार है वो तैयार है, तमाम यहां पर तैयारियां की जा रही है। ये संभावित लहर जो है उसके लिए जनता से भी अपील की गई है कि पूरी तरीके से तैयार रहे, तमाम गाइडलाइन का भी पालन करने की यहां पर बात कही गई है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन महाअभियान में भागीदारी की बात भी जनता से यहां की गई है और तमाम कोरोना गाइडलाइन की अपील के पालन की अपील यहां पर कही गई है और कहा है कि जो खतरा है वो अभी टला नहीं है, इसलिए जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करना जरूरी है।